हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को कमेंट करके बताना। आज मैं कुछ नया कुछ दिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। नया कुछ नहीं, अच्छा ऐसा नया कुछ नहीं। मैं जब से यूट्यूब चैनल ओपन किया तब से मैं दिमाग में ही सोच रहा हूँ क्या इस चैनल में क्या डालूँ तो व्यू आए, व्यूअर्स बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा। इसके सोर्सेज हैं और मैं कोचिंग भी कराता हूँ स्टूडेंट को, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा खुद का मार्कर ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। ये देखो, ऐसे एक ब्लैक बोर्ड था जिसको मैं करीबन 2-4 महीना तक स्टूडेंट को पढ़ाने में यूज़ किया। उसके बाद मेरे को मार्कर की ज़रूरत हुआ, तो मार्कर की ऐसे मार्कर दिख रहे हो मेरे पीछे, एक मार्कर से बोर्ड है, इसकी ज़रूरत हुआ। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तब जाके मैंने दिमाग सोचा जिसके आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या ये बनाया मैंने, जिसको मेरे पीछे देख रहे हो ये है, दिस इज मार्कर, व्हाइट मार्कर बोर्ड। आप इसको मार्केट में खरीदने जाओगे तो कम से कम लगभग 4,000 से 8,000 तक आपको ये प्राइस पड़े। जो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको बनाएंगे, ओनली 100 रुपीज़ भी नहीं लगेगा, ओनली 80 रुपीज़ में हो जाएगा। इसको बना देंगे पूरा एक मार्कर बोर्ड, आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बताने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल में पहले बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब मेरा कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा तो, और मेरा नया नया चैनल है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा नया न्यू चैनल है, मैंने अपना क्रिएट किया है। तो आज मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कैसे ये व्हाइट मार्कर बोर्ड बनाया है, और आपको दिखाएंगे कैसे ये लिखता है, कैसा इसका रिजल्ट है। ओके, देखिए पहले ये तो इसको इसका जो स्लेटिव है, ये लार्ज स्लेटिव है, पहले मैंने इससे ट्राई किया था। तो ये दूसरा वाला ये दिखा रहा हूँ, ये इससे ब्लैक बोर्ड छोटा आएगा। इसके बाद मैंने इसको तोड़ दिया, इसके बाद मैंने इस स्लेटिव को लिया मार्केट से, ओनली 40 रुपीज़, 40 रुपये आएगा इसके प्राइस। और आपको एक बैनर चाहिए, किसी भी खराब रहेगा तो घर पर चलेगा, इसको थोड़ा धो के फ्रेश कर लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर जो ये इसको सेरेटिन से पेस्ट कर दीजिए, इसको सेरेटिन से पूरा लगा दीजिए। इसके बाद बस मैजिक देखो कैसे, ये देखो मैंने यह लिखा, जैसे कि लिखता हूँ मैं कुछ भी लिख, जैसे कि सेंटेंस दिख रहा है, इसको आसानी से आप साफ कर सकते हो, हाथ से भी साफ कर सकते हो। मेरे पास एक डस्टर था, कहाँ गया रस्टर, रस्टर कहाँ गया, रस्टर ही नहीं मिल रहा है, वेट यहाँ पर था रस्टर, तो हाथ से ये रुक मिल गया, या देखा हाथ से भी साफ होता है इसके को। मैं अगर क्या मैं डस्टर है तो हाथ क्यों गंदा करूँ, ठीक। पूरा सिंपल से आप ये मैथमेटिक्स भी करा सकते हो, इंग्लिश भी, कुछ भी कराओ, इसमें इस ब्लैक बोर्ड में पूरा परफेक्ट है, कुछ भी करो, 4 + 7 = 6, ऐसे कुछ भी किसी भी एंगल में लिखो, कुछ भी ड्राइंग करो। आपको इससे और एक फायदा है कि आप जो सेनेटिव इसको दिख रहे हो, इसको लंबाई से पूरे ऐसे लगाए, ऐसे लंबा है, फिर स्केल जैसे हो गया, तब आपका हैंडराइटिंग क्या है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। ब्लैक मार्कर बोर्ड में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, इसके लिए ये टेढ़ा नहीं करेगा। जैसे कि आप कुछ भी लिखो पूरा टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका सीधा लाइन सीधा जाएगा, क्योंकि इस जो स्केल जैसी है, इसको सेनेटिव पूरा स्केल जैसे लगा दिया, तो उसका हैंडराइटिंग भी आपका सीधा आएगा ब्लैक बोर्ड में। सिंपल से देखा आप लोगों ने, खर्चा भी नहीं है, मैंने इसको पूरा पेस्ट भी नहीं किया, पूरा लगाया भी नहीं, इसको ऐसे रख दिया मतलब, तो अभी फिक्स करना है उसको। तो आपको ये आइडिया कैसे लगा, आपको मेरे ख्याल से आपको इस बहुत फायदा होने वाला है। जैसे कि कोई नया टीचर्स
पढ़ाना शुरू किया। उसके पास इतना पैसा नहीं होता क्योंकि नया मार्कर बोर्ड खरीदे और मार्कर खरीदे, तो मैंने 200 मार्कर खरीदा, ओनली 12 कितना 60 प्राइस। मैंने एक भी ले सकता हूँ, मेरे पास पैसा था ले लिया। इसको ट्रायन ऑन ओपन भी कर सकते हो, इसको फिर ओपन करके इसको इसके अंदर इंक भी डाल सकते हो। और मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा और कमेंट करके बताना। और आपको कुछ इससे आपको ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है कि ऐसे ब्लैक बोर्ड बनाना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर SMS भी कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। और ये मेरा नया न्यू चैनल है, तो इस पर प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं अपने अपने दिमाग से क्रिएटिव सोचूंगा कुछ नया बनाने के लिए। तो आप लोगों आपका मतलब आप लोगों की हेल्प चाहिए, बहुत आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तब जाके मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, सॉरी बाय बाय के लिए अब तक लाइक भी दबा देना, और ये इसको देखा ना कैसे बनाना है। तो आप मार्कर बोर्ड से भी अच्छा दिखता है, मैंने मार्कर बोर्ड में मैं स्कूल में लिखता, आज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बढ़िया लिख रहा है। क्या बताओ, किसी भी एंगल से शेप से ऐसे लिखो, मेरा नाम लिख देता हूँ और छोड़ो, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा कल यूट्यूब दिस इज माई चैनल, ओके आप इस पे जाइए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरा ये ट्रिक्स, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे।